सर्पदंश के लक्षण या विष का प्रभाव, सिम्टम्स ऑफ स्नेक्स बाइट और इफेक्ट ऑफ वेनम। डिफरेंट स्नेक्स के जो वेनम है, विभिन्न प्रकार के जो सर्प हैं, इनका जो वेनम है, इनके अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं ऑन करेक्टरिस्टिक्स इफेक्ट होते हैं। ये जो इनमें डिग्री ऑफ विरुलेंस होती है, डिग्री ऑफ वेरुलेंस विषाक्तता की मात्रा, ये अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट स्नेक्स होते हैं उनमें डिफरेंट होती है, बल्कि एक ही जो स्नेक होता है उसमें भी अगर विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो उनमें भी ये डिफरेंट होती है। डिग्री ऑफ वेरुलेंस है जो, ये डिफरेंट स्नेक्स में अलग अलग होती है। और एक ही सेम स्नेक में भी ये डिफरेंट हो सकती है, सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के सिचुएशंस में स्नेक बाइटिंग की गई है। काटा हुआ व्यक्ति जिसको स्नेक बाइटिंग हुई है, ये प्रविष्ट की हुई विष की मात्रा और उसकी विषाक्तता के आधार पर मर भी सकता है या फिर इसकी रिकवरी भी हो सकती है। पुनः स्वस्थ भी हो सकता है और मर भी सकता है। जो सर्प स्नेक वेनम है, दो प्रकार के हैं, जैसे पहले बताया था, न्यूरोटॉक्सिक तंत्रियाविषी और रुधिराविषी एंड हीमोटॉक्सिक। दो प्रकार का माना गया है इनको, न्यूरोटॉक्सिन्स तंत्री आविष एलेपिड्स एलेपिड्स जैसे कोबरा क्रेट और सी स्नेक्स, इनका इनका गुण है, इनमें पाए जाते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स। और ये क्या करते हैं, जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, श्वसन पेशियां, रेस्पिरेटरी मसल्स, इनका पैरालिसिस करते हैं, पैरालिसिस कर देते हैं और श्वास अवरोध करते हैं। एस्फाइजियन, श्वसन अवरोध करते हैं और रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस कर देते हैं, पक्षाघात कर देते हैं और मृत्यु का कारण बनते हैं। जो हीमोटॉक्सिन्स हैं, हीमोटॉक्सिन्स वाइपर्स में स्पेशली पाए जाते हैं ये, और ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन उत्तक से करते हैं और वाइड स्प्रेड हेमोरेज का कारण बनते हैं। विस्तृत रुधिर स्राव रक्त स्राव का कारण भी बनते हैं। इंडिया में जो पाए जाने वाले सर्वाधिक
तीन सामान्य विषैले सर्प हैं उनके विष के प्रभाव और सर्पदंश के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। कोबरा बाइट, पहला है कोबरा बाइट। कोबरा का पॉइजन, पॉइजन ऑफ कोबरा, ये सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है, वायरलेंट होता है और यह जो इसका न्यूरोटॉक्सिन है ये नर्व सेंटर्स को, न्यूरोटॉक्सिन जो इसमें पाया जाता है अटैक करता है, अटैक ऑन नर्व सेंटर्स जिससे पैरालिसिस ऑफ मसल्स हो जाता है। स्पेशली रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। इनके जो सिम्टम हैं, कोबरा बाइटिंग के जो सिम्टम्स हैं, पियर्सिंग पेन, तीव्र पीड़ा होती है और बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है। काटा हुआ जो भाग होता है जहाँ पे स्नेक बाइटिंग हुई है वो नमनेस हो जाता है, सुन्न हो जाता है और जो बिटन पार्ट है इसका कलर ब्लूइश और ब्लैकिश हो जाता है, ब्लूइश और ब्लैकिश। बिटन पार्ट टर्न्स इन ब्लूइश और ब्लैकिश। और पर्सन जो पीड़ित व्यक्ति है उसको चक्कर आने लग जाते हैं और लेग्स में वीकनेस फील होती है, हाई पल्स रेट हो जाती है, स्पीचलेसनेस हो जाता है, बोलने में मुश्किल आने लग जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा एंड आईलिड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल्स, वॉमिटिंग, नोजिया फील होता है और जो ब्रीदिंग है बड़ी मुश्किल आने लग जाती है, उसमें लेबर्ड ब्रीदिंग होती है। श्वासारोध अथवा हृदय की सक्रियता जो एक्टिविटी है उसकी विफलता से कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाती है। प्रोफेसर के एन बहल, लेट प्रोफेसर के एन बहल, इन्होंने कोबरा को डिस्क्राइब किया था COBRA, तो ये इंडिकेट करते थे, CO इंडिकेट करता है स्पाइनल कॉर्ड और BRA इंडिकेट करता है ब्रेन को। तो जो कोबरा का पॉइजन है, वेनम है, इसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इफेक्ट किया जाता है, तो इसमें स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन अफेक्टेड होते हैं। और दूसरा इन्होंने दिया था COB, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। और R का मीनिंग है रिड्यूस्ड, R इंडिकेट करता है रिड्यूस। तो इसमें जब स्नेक बाइटिंग होती है कोबरा के द्वारा तो ब्लड का कोएगुलेशन रिड्यूस्ड हो जाता है और अकर्स बाय डेथ, अकर्स बाय एस्फाइजिया। तो केन बहल ने इस प्रकार से कोबरा को, जो कोबरा का वेनम है कैसे इफेक्ट करता है ऐसे डिस्क्राइब किया था। CO इंडिकेट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, BRA ब्रेन को, और जिसमें ये दोनों ही पार्ट
अफेक्टेड होते हैं और सीओबी कोगुलेशन ऑफ ब्लड रिड्यूस्ड और एस्फाइजिया कंडीशन आ जाती है जिससे डेथ हो जाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर, जो ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। दूसरा है क्रेट का दंश। जो क्रेट हैं ये सर्वाधिक साधारणता पाए जाते हैं और बहुत ही भयंकर रूप से विषैले होते हैं और इनके काटने से विष की बहुत अधिक मात्रा कोबरा से 3 गुनी अधिक इंजेक्ट होती है। विक्टिम की बॉडी में 3 गुना अधिक पॉइजन, जो वेनम है, वो इंजेक्ट होता है। इसके लक्षण कोबरा के काटने के बहुत ही समान होते हैं, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें इंटरनल हेमोरेज के कारण बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होता है और इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज एब्डोमिनल पेन होता है और इंटरनल आंतरिक हेमरेज होता है। आरबीसी नष्ट होने लग जाती हैं और हीमोलिसिस हो जाता है। ट्रंक बॉडी का जो धड़ है उसमें और जो आर्म्स हैं पैरालिसिस हो जाता है और 6 से 24 घंटे के अंदर जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है। थर्ड है वाइपर बाइट। वाइपर का जो पॉइजन होता है वेनम हीमोटॉक्सिन होता है, रुधिरा विष होता है हीमोटॉक्सिन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को अधिक तीव्रता से प्रभावित करता है। वाइपर बाइट के सिम्टम हैं लोकल वेलिंग, डिसकलरेशन ऑफ बिटन पार्ट विद एक्यूट बर्निंग पेन। और इसमें से मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन, होता है जिससे एक रेड फ्लूइड बाहर निकलने लग जाता है, बहता रहता है बोन से और ओजेस आउट फ्रॉम वुंड। जो वुंड बनता है स्नेक बाइटिंग से उसमें से एक रेड फ्लूइड बाहर निकलता रहता है लगातार मैसिव टिश्यू डिस्ट्रक्शन के कारण, और इससे क्या होता है कभी कभी एम्प्यूटेशन करना भी ज़रूरी हो जाता है, अंग छेदन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसमें जो प्यूपल्स होते हैं आँखों के डायलेट फैल जाते हैं, ये पल्स रेट इंक्रीजेस और वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, अकर्स, और जो व्यक्ति है उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, लूजेस कॉन्शियसनेस, और वैसोमोटर सेंटर्स का पैरालिसिस हो जाता है और
बहुत अधिक ब्लीडिंग होने के कारण, वैसोमोटर सेंटर्स के पैरालिसिस होने के कारण, पैरालाइज होने के कारण और बहुत अधिक ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है।